हरियाणा के खिलाड़ियों के साथ नजर आए भूपेंद्र सिंह हुड्डा, एक सवाल उनसे लेना चाहेंगे। सर, अगर आप कहना चाहें कि आज आप पहुंचे हैं, ये खिलाड़ी हरियाणा के हैं, क्या कहेंगे? ये देश के हैं, एक प्रदेश के नहीं है, इन्होंने पूरे देश का मान बढ़ाया है, पूरे देश के खिलाड़ी हैं ये। अगर इनको न्याय की जरूरत मांगनी पड़ रही है तो आम आदमी का क्या होगा? जो है बड़ी शर्म की बात है, इस दिन खिलाड़ियों को स्टेडियम ही होना चाहिए। भूपेंद्र सर का इस्तीफा के लिए क्या कहेंगे? इस्तीफा देना चाहिए, एफआईआर दर्ज होना चाहिए, क्या कहेंगे यहाँ पर? कहीं ना कहीं देखिए, मैं चाहूंगा तस्वीरें दिखाई, किस तरह धन्यवाद से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री साफ तौर पर कहते नजर आए कि वो साथ देंगे खिलाड़ियों का, और सुप्रीम कोर्ट यानी देश की सबसे बड़ी अदालत पर उन पे भरोसा है। नई दिल्ली से कैमरामैन प्रहलाद के साथ मरुण मिश्रा, न्यूज 18। और हमारी बेटियां उन्होंने देश का नाम रोशन किया, एक देश का या एक बेटा नहीं, पूरे देश का नाम रोशन किया है। पूरे देश के खिलाड़ी आए हुए हैं, कोच आए हुए हैं, आज इनको स्टेडियम में होना चाहिए था। अपने देश की आगे तैयारी करनी चाहिए, अपने देश का नाम रोशन करने के लिए। वो आज क्यों यहाँ मजबूर होकर यहाँ बैठे हैं जंतर मंतर पे? ये गंभीर सवाल है, इसकी गंभीरता से जांच होकर इनको न्याय मिलना चाहिए। हमारा समर्थन के साथ है, न्याय जो मिलेगा तब। हरियाणा के खिलाड़ियों के साथ नजर आए भूपेंद्र सिंह हुड्डा, एक सवाल उनसे लेना चाहेंगे। सर, अगर आप कहना चाहें कि आज आप पहुंचे हैं, ये खिलाड़ी हरियाणा के हैं, क्या कहेंगे? ये देश के हैं, एक प्रदेश के नहीं है, इन्होंने पूरे देश का मान बढ़ाया है, पूरे देश के खिलाड़ी हैं ये। अगर इनको न्याय की जरूरत मांगनी पड़ रही है तो आम आदमी का क्या होगा? जो है बड़ी शर्म की बात है, इस दिन खिलाड़ियों को स्टेडियम ही होना चाहिए। भूपेंद्र सर का इस्तीफा के लिए क्या कहेंगे? इस्तीफा देना चाहिए, एफआईआर दर्ज होना चाहिए, क्या कहेंगे यहाँ पर? कहीं ना कहीं देखिए, मैं चाहूंगा तस्वीरें दिखाई, किस तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपको तस्वीरों में? धन्यवाद से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, साफ तौर पर कहते नजर आए कि वो साथ देंगे खिलाड़ियों का, और सुप्रीम कोर्ट यानी देश की सबसे बड़ी अदालत पर उन पे भरोसा है। नई दिल्ली से कैमरामैन प्रहलाद के साथ मरुण मिश्रा, न्यूज 18। और हमारी बेटियां उन्होंने देश का नाम रोशन किया, एक देश का या एक बेटा नहीं, पूरे देश का नाम रोशन किया है। पूरे देश के खिलाड़ी आए हुए हैं, कोच आए हुए हैं, आज इनको स्टेडियम में होना चाहिए था। अपने देश की आगे तैयारी करनी चाहिए, अपने देश का नाम रोशन करने के लिए। वो आज क्यों यहाँ मजबूर होकर यहाँ बैठे हैं जंतर मंतर पे? ये गंभीर सवाल है, इसकी गंभीरता से जांच होकर इनको न्याय मिलना चाहिए। हमारा समर्थन के साथ है, न्याय जो मिलेगा तब।